तो हेलो गार्डनर्स, आज हम लोग लखनऊ के मोस्ट अवेटेड फ्लोरल एग्जीबिशन में आए हैं जो कि राजभवन में लगता है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि कैसा एग्जीबिशन है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे पॉट्स, बर्ड हाउसेस और स्टैंड्स वगैरह हैं। और आज मेरे साथ लवकुश आया है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि कैसा है। इसने इनकरेज किया तो मैं इस फ्लोरल एग्जीबिशन में आई हूँ। सुना बहुत था मैंने इसके बारे में पर कभी विजिट नहीं करी है यहाँ पे। तो अगर आप लोग लखनऊ में हैं तो ये एग्जीबिशन 2 दिन के लिए लगता है, एनुअल लगता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, पर हम पहले मेन एग्जीबिशन में चलेंगे जो कि राजभवन में अंदर लगा हुआ है। तो ये लखनऊ का राजभवन है एंड इन शॉप्स को हम लौटते में देखेंगे कि इनमें क्या है। इधर से एक एंट्री, सो दिस इज द एंट्री वे टू द एग्जीबिशन। देखते ही मन खुश हो जाए, इतने सुंदर फ्लावर्स हैं। बहुत साइडेड, हाँ बहुत ही प्यारा। इधर से स्टार्ट करें, भाग एक से शुरू करते हैं। फल, ये कौन सा प्लांट है? ये बहुत सुंदर फ्लावर है। दीदी वैसे काम में ले भिंडी फ्लावर प्लांट जानते हैं। और इसका लिखा है इस पे शायद कितनी हाइट है ना इनकी, 9-9 फिट के, 10-10 फिट के हैं प्लांट से। तो यहाँ पे फलों का भी एग्जीबिशन है और फ्लावर्स का भी एग्जीबिशन है। देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितनी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे साल्विया की। और सारे ही शेड्स हैं एंड अच्छा, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ पे एंटर करते ही। देखने में तो सुंदर है ही पर स्मेल वाइज भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा, सारे शेड्स हैं साल्विया के यहाँ पे और फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है ना यहाँ पे। साल में एक बार लगता है ये। सिनेरिया के प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर। और ये कैसे टावर जैसा, मतलब माउंटेन जैसा बना दिया ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सेल्फ लाइट और बेस लाइट जो है, हाँ इसमें रखने के बाद जब हम जो सॉल्यूशन होता है उसी में रखते जो है, हाँ, वो हमारा बेस लाइफ को मेंटेन करता है। तो ये किसी सॉल्यूशन में है? जी दीदी। अच्छा हाँ, ये HQC होता है, शुगर, लो कंसंट्रेशन का शुगर होता है, हाँ, और पानी में मिक्स करके रख देते हैं। ओके। तो इससे जो है इसका जो है बेस लाइफ मेंटेन रहता है। कैसे बर्ड्स को भी, रोजेस की देखो कैसे। अब ये लॉन्ग टाइम ही जैसे ये ब्लूम हो गया दीदी, अब इनको कंट्रोल करने के लिए कर दिए, जब होगा तब हटा देंगे तो ये ब्लूम हो जाएगा। इसी सॉल्यूशन में ब्लूम भी हो जाएगी? जी दीदी, वो सेल्फ लाइफ मेंटेन होता रहेगा। ये जो मुरझा गए इनका क्या हुआ है, इनको मिला नहीं क्या एनर्जी? जी दीदी, ये लंबा है ना दीदी इनका ये पोर्शन। अच्छा, स्टेम लंबी है इनकी। पूरा का पूरा प्लांट बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, कोई शेड छोड़ा नहीं है इन्होंने। रोजेस, लीलियम्स, डहेलिया के तो यहाँ पे इतने सारे शेड्स हैं, मल्टी कलर्ड, डबल टोन के हैं, सिंगल टोन के हैं। ब्यूटीफुल एग्जीबिशन एंड ब्यूटीफुल फ्लावर प्रेजेंटेशन, जहाँ तक नज़र जा रही डहेलिया ही डहेलिया।
ये आज तो सेकंड जो टेंट है एकदम पूरा रोजेस को ही डेडिकेटेड है. ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ रोजेस एवरीवेयर और स्मेल भी बहुत सुंदर है. कितना बड़ा बड़ा फ्लावर है, मतलब पाम से भी बड़ा साइज है फ्लावर्स का. हर फ्लावर के साथ इन्होंने मेंशन भी किया है कि किस वैरायटी का है वो प्लांट. कितना बड़ा साइज है ना ये फ्लावर का, मतलब पाम से भी बड़ा है. वेरी बिग, ह्यूज, हेफ्टी जिसे कहते हैं. यहाँ पे तो गिम्बल लेके आने वाला था. लोग आए हैं, वीकेंड है तो अपनी फैमिलीज के साथ इस फ्लोरल एग्जीबिशन को एंजॉय करने. तो इस स्टॉल में पूरा बॉन्साई कलेक्शन है. हाँ, फाइकस का सबसे ज्यादा है. बरगद, पाकड़, फाइकस. उसकी स्टेम कितनी मोटी, वो अडे नहीं फाइकस की वैरायटी है. इसे मार्केट में लेने जाते हैं तो लोग नारंगी बोल के देते हैं. जी, कमक्वाट है दीदी. टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? कमक्वाट. ऑलमोस्ट सारे महीने ये ब्लूम करता है, मतलब फ्लावर रहता है इसमें छोटे छोटे. हाँ, मेरी पीला हो जाएगा, पकेगा. ये कितना प्यारा बनाया है फाइकस का, मुझे सबसे प्यारा प्लांट ये लगा ना. ये गाय भी है, घंटी भी है, घंटी बज भी रही है. ये कौन सी वैरायटी है? बहुत सुंदर. बोगनवेलिया की जो बॉन्साई की वैरायटी यहाँ पे है वो भी बहुत प्यारी है. कॉर्नर पे इन्होंने प्लास्टिक को, प्लास्टिक की बॉटल्स को रीयूज किया और बहुत ही सुंदर डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग बना दिए हैं. और इसके साथ ही यहाँ पे फूलों से सजाया है और मैसेज भी दिया है दैट यूनाइटेड वी स्टैंड. चेरी, टमाटर देखिए, तो मिसाइल बना दिए फ्लावर्स से और बॉटल का रीयूज करके. वाओ, मिसाइल. जो कि कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डन जिनका कंटेनर में, उनके लिए तो दिस इज लाइक हेवन. पुदीना है, शिमला मिर्च येलो वाली, लहसुन है, गांठ गोभी है और सब गमले में है. लहसुन, कैबेज, बेल पेपर्स कितनी प्यारी हैं, टोमेटोज, बैंगन. सो ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए जमीन ही चाहिए, आप गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे साफ साफ शोर है. ब्यूटीफुल वैरायटी ऑफ चेरी टोमेटोज हियर. सेम है सारे, उसी के बाद
लेटस, ब्रोकली, हाँ कद्दू बोलते हैं इसको, समर समर जुकीनी, जुकीनी टाइप का है क्या? जुकीनी भी लगा दी भाई इन्होंने गमले में, वाली अलग है वही चीज है उसी लंबे में, वो देखिए कितनी चुकंदर है। बीटरूट भी गमले में लगी हुई है एंड इट हैज ग्रोन अप ब्यूटीफुली। शलजम है, वो शलजम है, वो शलजम है, ये चुकंदर है। कॉलीफ्लावर अगेन इन अ पॉट, कितना सुंदर ये, ब्रेथ टेकिंग बेल पेपर्स ग्रोन इन कंटेनर। धनिया भी यहाँ पे है जो कंटेनर में ग्रो की गई है, ऑल्दो अब ये ब्लूम कर रही है। ब्रोकली, पालक पीछे, अगेन ऑल द वेजिटेबल्स हैव बीन ग्रोन इन पॉट्स। यू आर हैविंग अ वैरायटी ऑफ ब्रिंजल ऑल्सो ओवर हियर। कितना अच्छा शिमला मिर्च, बड़ी बड़ी चिलीज, और वर्टिकल स्पेस को यूज किया है इन्होंने, ऐसे स्टैंड्स में इन्हें प्लेस किया है कि दो स्टैंड्स आ गए हैं स्टेयरकेस के फॉर्म्स में। एंड ब्यूटीफुल कैबेजेस ओवर हियर, ऑल ग्रोन इन पॉट्स। गांठ गोभी है, क्लोजर व्यू देखिए कितनी प्यारी है गमले में। लेटस, मटर भी गमले में उगा दिया गया, धनिया की वैरायटी है। लगुश ये कौन सा प्लांट है, आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोई वेजिटेबल ही होगी क्योंकि इन्होंने वेजिटेबल सेक्शन में लगाया। और अगर आप इधर देखेंगे तो एक गमले में कितना सारा लंबा वाला कद्दू है जिसे जुकीनी भी कहते हैं, चाइनीज सरसों, ये साग के लिए जो यूज होती है वही है। स्प्रिंग अनियंस कितने ब्यूटीफुली ग्रो हुए हैं, मटर भी लगा दिए गए हैं गमले में, ब्यूटीफुल टमेटोज, और उसके साथ ही आपको पिटूनियाज मिलेंगे वर्टिकल गार्डनिंग में। पिटूनियाज के साथ वर्टिकल गार्डन की नेक्स्ट वैरायटी है डॉग फ्लावर की, डॉग फ्लावर यहाँ पे और भी इन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग में यूज किए हैं यहाँ पे, एंड हैव क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल वॉल आउट ऑफ इट। सभी पंडाल के तुम्हारी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया अपने पंडाल में उपस्थित रहें। ये मोस्टली इंडोर प्लांट्स की सभी पंडाल के तुम्हारी अधिकारी अपने पंडाल में उपस्थित रहें। साइगोनियम है द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, पिंक सिंगोनियम है। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन होने जा रहा है। अगेन इस वर्टिकल स्पेस एक बार पुनः अनुरोध है, कृपया सभी पंडाल के प्रभारी अधिकारी अपने पंडाल में उपस्थित रहे। पैंजी, 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 डायंथस एंड इसको मैं भूल गई क्या कहते हैं, कोई वेरिएंट है अच्छा, आजकल विंटर्स में बहुत ब्लूम करता है। और ये पूरी वॉल इन्होंने डायंथस से करी है, सो जिनके पास वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा डिस्प्ले। तकनीक विकसित कर ली गई कि तापमान पर नियंत्रण पाया गया और मतलब की खेती आपको करने को मौका मिल जाता है और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। अब एक मुद्दा ये आता है कि किस तरीके से हम इन चीजों को पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन आवश्यकता है। अब यार ऐसी क्या बात है कि यूरोप में बहुत से देश ऐसे हैं
जहाँ पर आलू की उपयोगिता सिर्फ ये मेडिसिनल प्लांट्स का है ना, सीमा का। यहाँ पर लिटरेचर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि आज की आवश्यकता गृह वाटिका, गुलाब की बागवानी, राष्ट्रीय पौधे मिशन योजना, ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिंचाई, पॉली हाउस सब्जी उत्पादन और भी बहुत सारे हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है सूचना केंद्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। भी है ये कल दोपहर बाद ही हो सकता है, अभी तो नहीं मिल पाएगा। ओके ये बैम्बू का इतना प्यारा इन्होंने कप और ट्रे जो डिस्प्ले किया, ये रीयूजेबल है। हाँ, जहाँ तक नजर जा रही है बस फूल ही फूल हैं। इसका तो ब्लूमिंग टाइम विंटर्स का ही रहता है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हेयर टू इनॉग्रेट दिस एग्जिबिशन। आप देख सकते हैं मेन गेट पे मीडिया कितनी ज्यादा खड़ी है, अभी वो एंटर होंगे यहीं से। तो आपको दिख रहा होगा कि चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं योगी जी इनॉग्रेट करने के लिए इस फ्लावरल एग्जीबिशन को। लेट्स राइज फॉर द नेशनल। को वेलकम करने के लिए और प्रोग्राम की ऑफिशियल स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे अभी नेशनल एंथम बज रहा था, तो मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था बिकॉज आई वाज आल्सो सिंगिंग द नेशनल एंथम। तो अभी आपको कोशिश करूंगी कि ग्लिम्स दिख जाए चीफ मिनिस्टर की, और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ तक देखते जाइए बाहर ही बाहर है। ब्यूटीफुल फ्लावर, और लीज भी उतनी प्यारी है। इसका एक वाइट वेरिएंट भी है यहाँ पे, वाइट एंड पिंक दो वेरिएंट्स में ही है। मैंने फर्स्ट टाइम इस प्लांट को देखा, बहुत प्यारा है। ये विंटर्स का सबसे फेवरेट प्लांट स्वीट एलाइमम।
फूल तो सुंदर है ही और बैंड यहाँ पे बहुत अच्छी धुन है बजाने के लिए। चार बांस के डंडे लिए हैं, उनको जोड़ दिया गया है, बांध दिया गया है रादर रस्सी से, अगर आप इसका एक क्लोजर व्यू देखेंगे तो। और फिर उसमें कई सारे लेयर्स ऐड करी गई हैं। इसमें तो जो इन्होंने प्लांटर्स भी रखे हैं वो भी बैम्बू है, बैम्बू को काट करके इन्होंने प्लांटर बना दिया है, सच और बायोडिग्रेडेबल। टायर का कितना सुंदर यूज किया है स्नेक प्लांट की वेराइटी लगाकर। जो कि फ्लावर्स से बनाया गया है, जहाँ तक नजर जाती है बस फूल ही फूल है और बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस है। ये कितना क्यूट सा एक कॉर्नर बनाया है जहाँ पे पूरे पेड़ पे फ्लावर्स से इन्होंने टेडी बियर बना दिया है। केले से उसके हाथ बना दिए हैं, केले से पैर बना दिए हैं, पपीते से उसका बॉडी एरिया बना दिया है, संतरे से उसके कान बना दिए हैं, और ये एक पाइन के ट्री की फॉर्म में है जिसमें बहुत सारे टेडी बियर्स हैं, या मंकी कह लीजिए, मंकी। तो बहुत ही सुंदर, ये जैसे गंगा बह रही है ऐसा क्रिएट किया है। और गंगा के साथ हम पहुंच चुके हैं शिव जी के पास। बहुत सारे फ्लावर के माउंटेन्स बनाए गए हैं यहाँ पे, और फ्लावर से कितना सुंदर मैसेज दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर हंसों का जोड़ा है जो कि फूलों से बनाया गया है। ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है यहाँ पे, सब अपना सेल्फी ले रहे हैं। दीज ब्यूटीफुल स्वान्स ओवर हियर, एक और पीकॉक का वेरिएंट है, बहुत सुंदर रियल फ्लावर से बनाया गया है। बहुत प्यारी सी, एक और मैसेज, स्वच्छ भारत, फूलों से गांधी जी का चश्मा क्रिएट किया गया है, एंड लोगों में बहुत क्रेज है लखनऊ वाइट्स में। ये जो मैसेजेस भी दिए गए हैं, दीज हैव टर्नड आउट एज सेल्फी पॉइंट्स। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से, यहाँ पे फूलों से लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, रिमेम्बरिंग फादर ऑफ नेशन ऑल्सो, हिज वैल्यूएबल थॉट्स विच हैज केप्ट हिम अलाइव। बढ़ रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की तरफ,
शांति के तरफ, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटल कलर्स का यूज हुआ है एंड इट इज वेरी पीसफुल। सेल्फी पॉइंट का अट्रैक्शन भी, और इसकी साइड साइड में अगर आप देखेंगे तो ग्रो बैग्स में सब्जियां हैं, जिसमें कि पालक है, लेटस है, मेथी का है, गांठ गोभी है। ऑल दीज वेजिटेबल्स आर बीइंग ग्रोन अप इन अ ग्रोन अप ग्रो अप बैग, जो कि अर्बन गार्डनर्स के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे चीजों में वेजिटेबल्स ग्रो करना। ग्रो बैग्स में यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां हैं, अगर आप किसान के पास से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे चेरी टोमेटोज है, फॉलोड बाय कॉलीफ्लावर, उसके बाद पालक है, पालक के बाद कैबेज है, कैबेज के बाद लेटस है, लेटस के बाद गांठ गोभी है, गांठ गोभी के बाद पालक है, और पालक के बाद धनिया है। एंड दिस इज ऑल कंटेनर गार्डनिंग, और सारा ग्रो बैग्स में किया गया है, विच इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर पीपल लिविंग इन अर्बन सिटीज, जिनके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जायंट मूली है, रेडिश, जायंट साइजेस ऑफ कैबेजेस ओवर हियर। ये क्या है? सुमरन एलिफेंट, जिमीकंद, एलिफेंट फूड क्या बोलते हैं, सुमरन जिमीकंद, सबसे नया नाम है ये। किसी किसी फेस्टिवल में इसको खाना होता है ना, दिवाली में। गाजर कद्दू कितने बड़े बड़े हैं, ओह माय गॉड, आलू है कि क्या है, इतना बड़ा आलू, लूट मचा देते हैं चारों तरफ से। एक आलू आई गेस 1 किलो का होगा, और ज्यादा भी हो सकता है। मेरे राइट साइड पे देखिए शलजम के कितने बड़े बड़े शलजम हैं, बड़े बड़े जॉइंट साइज, जंबो साइज शलजम, ऐसा लग रहा है शलजम नहीं कद्दू है। मेन एग्जिबिशन हमने देख लिया है, अब हम बाहर देखते हैं कि बाहर इन्होंने कुछ ऐसी शॉप्स लगाई हैं प्लांट्स की और स्टैंड्स की, जिसे कि हम खरीद सकते हैं, और वहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और भी देखने को मिलेंगे, तो आई विल शो यू ऑल। वैसे तो लखनऊ का राजभवन अपने आप में ही बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे प्लांट्स की, लेकिन इस फ्लावर्स एग्जिबिशन के चलते ये और भी सुंदर हो गया है। ये देखिए बाहर इन्होंने जो लेन है यहाँ पे शॉप्स लगी हैं, जहाँ से कि आप चीजें खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी है यहाँ पे लगी हुई है। मुझे ये प्लांट हैंग करने वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेट मी फाइंड आउट ये कितने का है। एक्सक्यूज मी, हैंगिंग प्लांटर्स के लिए यहाँ पे ये बास्केट्स हैं, 3 हैंगिंग बास्केट्स जो एक ही स्टैंड में टंगी हैं, और एक ये भी है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं प्लांट्स को, बहुत सारी शॉप्स हैं। लखनऊ की ऑलमोस्ट काफी नर्सरीज ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे स्टॉल।
बनाने हैं स्ट्रॉबेरी। कैसा काटते हैं? छोटे छोटे मिनिएचर्स। सकलेंस के साथ प्ले किया है इन्होंने। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं बॉन्साई के जो कि यहाँ बिक रहे हैं। दे हैव मेंशन द प्राइस आल्सो। बहुत सारे बर्ड हाउसेस हैं, मिनिएचर्स हैं, गार्डनिंग टूल्स हैं, सीड्स हैं। ये बर्ड हाउसेस कितने के हैं? कितने का? बात करता हूँ।